जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और उनकी एक ही जो मूवी थी केदारनाथ, उसमें वो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें वो एक कलावा जो है वो पहन के रखते हैं। हालांकि उनका जो रोल था वो हिंदू लड़के का नहीं था, किसी और कम्युनिटी का था, लेकिन वो कलावा पहन के रखते हैं उसमें ये दिखाने के लिए कि उनको उनकी आस्था जो थी वो शिवजी भगवान में। तो अब यहाँ पे मैं कलावे को, मेन कलावा जैसे ये मैंने पहना हुआ है, इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप देखें तो जो कसाब है जिसने 26/11 की जो दुर्घटना जो हुई, जो भी आतंकवादी अटैक हुआ था, उसमें उसका जो मेन पर्सन था वो वही था। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज कह रही हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत 26/11 के ऊपर एक कोई मूवी, ऐसा सुनने में आया है कि उनको ऑफर हुई थी और वो बहुत एक्साइटेड थे उस मूवी को करने के लिए। खैर, इन बातों को तो हम बेसलेस मानते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत नहीं है अभी इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो करना चाहते थे वो मूवी या नहीं, क्योंकि कोई हो सकता है कि उनको कसाब का रोल ऑफर किया हो या फोर्स किया गया हो उनको कि वो रोल वो करें। बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, कसाब ने भी कलावा पहना था ये शो करने के लिए कि वो हिंदू टेररिस्ट है, इसलिए उसको कलावा पहनाया गया था। उसका नाम समीर बताने की कोशिश की गई थी लेकिन ये चीज़ एक्सपोज हो गई, पता चल गया। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जो एक रोल जो उनका एक था केदारनाथ मूवी में वो ऐसा ही था, और सुशांत सिंह राजपूत को बहुत एक ईजी टारगेट माना गया था ऐसा लगता है कि जहाँ भी हिंदू हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ भी करना है वहाँ सुशांत सिंह राजपूत को रोल ऑफर किए जाते थे और उन्हें फोर्स भी किया जाता होगा। ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ मैं क्योंकि सड़क 2 भी उन्हें ऑफर हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था। उसमें जो वो केदारनाथ पर्वत है उसको कट करते हुए एक सड़क बनाई गई है जो कि महेश भट्ट की दिमाग की पैदाइश है कह सकते हो आप। तो अब यहाँ पे बहुत क्लियरली लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ तो कनेक्शन था, जो ये 26/11 जो मूवी उन सुनने में आया कि वो उनको ऑफर हुई थी या वो करने के लिए एक्साइटेड थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सुशांत सिंह राजपूत सच में 26/11 की जो मूवी थी वो करना चाहते थे, क्योंकि वो एक हीरो थे तो कहीं ना कहीं उनको जो रोल दिया गया होगा वो मेन रोल दिया गया होगा। और यहाँ पे जो पूरे जो स्टोरी है उसमें जो मेन एक कैरेक्टर है, मेन रोल अगर एक मेन कैरेक्टर देखें तो वो यहाँ पे अजमल, ये जो कसाब जो था उसका था। तो क्या यहाँ पे सुशांत को फोर्स किया जा रहा था कि वो उस रोल को प्ले करें, उस रोल को करें, क्योंकि उसने भी कलावा पहना था, केदारनाथ में भी सुशांत ने कलावा पहना था, सड़क 2 सुशांत को ऑफर हुई थी उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा बीच में जो एक पद्मावत मूवी आई थी उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें सुशांत को हो सकता है फोर्स किया गया था कि तुम अपना ये स्टेटमेंट दो कि मैं अपना राजपूत नाम हटा लूंगा, जबकि सुशांत सिंह राजपूत अपने नाम से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि हर जगह अपना नाम पूरा तरीके से वो बताते थे और बहुत लोग फिल्म इंडस्ट्री के थे जो उनके नाम का मजाक उड़ाते थे। तो ये पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको ट्रैप किया गया इसमें और उन्हें फोर्स किया गया था शायद ये जो कसाब का रोल है ये प्ले करने के लिए ऑन स्क्रीन। तो यहाँ हो सकता है सुशांत ने मना किया हो और ये भी कारण था कि वो लोग सुशांत से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, क्योंकि सुशांत अपनी जो भी उनकी खुद का जो भी शर्तें थी उन पे ही काम करने लगे थे। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर में रहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने तरीके बदले, सड़क 2 करने से मना कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी डिनायल हो गया उन लोगों के लिए कि हमें कैसे मना कर दिया। और इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है कि एक रोल एक किसी को एक एग्जाम्पल शो करके रखना होता है, जैसे गुलशन कुमार को की हत्या की गई उसके बाद जो जितना भी एक्सट्रॉशन मनी था वो लेना इजी हो गया, दिव्या भारती की हत्या की गई वैसे ही, एक शाइनी आहूजा को एक उसमें फंसाया गया और अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं जब सुशांत अपनी तरफ से मना कर रहे थे चीजें करने को, अपना एक क्लियर आंसर रख रहे थे, तो हो सकता है ये चीज भी जो ये मर्डरर्स थे जो ये कॉन्स्पिरेटर्स थे इनको बुरी लगी हो। तो यहां मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो कसाब का रोल था ये सुशांत को ऑफर किया गया था और क्या ये भी एक कारण है सुशांत की निर्मम हत्या जो की गई उसके पीछे। तो चलिए जानते हैं। प्लीज टेल मी वाज़ सुशांत्स मर्डर कनेक्टेड विद 26/11 कसाब्स रोल, वाज़ ही फोर्स्ड टू डू दैट रोल। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है,
कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कुछ ऑफर किया गया, सम ऑफर। तो यहाँ क्योंकि लवर्स कार्ड है तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्लियर है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। और हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये वेपन दिखा करके, धमकी दे करके भी यूज किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इस पर्सन के हाथ में एक एरो है जो इसके ऊपर ये चला रहा है। और हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया सुशांत को वो तीर चला के, यानी कि डायरेक्टली बोला गया, धमकी भी दी गई, और सुशांत ने कहा कि कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस रोल। हो सकता है सुशांत ने मना कर दिया हो, वो जो भी उनको रोल करने के लिए दिया था उन्होंने मना कर दिया हो, क्योंकि दिस पर्सन इज ओपन। अब यहाँ पे ये इसकी तरफ एरो शूट कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज ओपन। और यहाँ पे एक आप देखिए एक क्रीचर है जो यहाँ पे बॉलीवुड माफिया हो सकता है, और फिर उसके बेसिस पे जस्टिफाई किया गया, ये बैलेंस किया गया, समझा गया कि क्यों ये मना कर रहा है ये रोल करने को। ये चीज यहाँ हो सकती है, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। लोशक नोस्टमस, प्लीज टेल मी इफ सुशांत वॉज फोर्स टू डू द रोल ऑफ कसाब। मुझे यहाँ लग रहा है कि सुशांत की लाइफ में जो भी फीमेल थी उसने सुशांत को इसके लिए रेडी किया कि तुम इसको हाँ करो। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये सुशांत है जो थोड़ा सैड है, लेकिन ये फीमेल जो है शी इज हैप्पी। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये पर्सन है जिसको ये फीमेल जो है ये एंजल ही ब्लेस कर रही है। तो हो सकता है सुशांत की लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिसके कहने पर सुशांत इसके लिए रेडी हुआ, या फिर जो ये लेडी थी ये किसी और को यहाँ पे ब्लेस कर रही है कि डोंट वरी मैं सुशांत से हाँ करवाऊंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और ये जबरदस्ती की है, गई है सुशांत को कि वो इस रोल को प्ले करे। मोर क्लैरिटी, वॉज सुशांत ऑफर्ड दिस रोल? ओके, तो यहाँ पे यही लग रहा है कि इसके बाद जो सुशांत की जो जो हत्या की गई है उसके बाद ये सब चीजें प्लान की गई हैं, क्योंकि सुशांत यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया और कोई ना कोई फीमेल सुशांत की लाइफ में थी जिसने सुशांत को इसके लिए रेडी किया कि तुम ये रोल करो, लेकिन सुशांत वॉज नॉट रेडी। यहाँ पे सुशांत तैयार नहीं था ये रोल करने के लिए। यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो आर से जो फीमेल उनकी लाइफ में जो थी उसने और उसकी मदर ने लगातार प्रेशर बनाया सुशांत पे कि इस रोल को करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ये रोल करते तो उससे उनको बेनिफिट होता, तो उन्होंने ये प्रेशर बनाया था सुशांत के ऊपर। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह जो कारण हो सकती हैं सुशांत की हत्या के लिए, ये एक चीज नहीं है, ये एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत बड़ा नेक्सस है। लेकिन हाँ ये सब जो चीजें थी ये मिल करके फाइनली सुशांत को स्ट्रेंगुलेट करने का कारण बनी, जो ये आप पर्सन देख रहे हो जिसने स्ट्रेंगुलेट किया है सुशांत को, इसके हाथ में एक रस्सी है जिसको ये बांध रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि सुशांत को जो ये मारा गया है ये कोई एक कारण से नहीं मारा गया है, ये तो डेफिनेट है कि सुशांत पे प्रेशर था ये मूवी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेडी है शी इज स्माइलिंग बट ही वॉज नॉट हैप्पी एंड दिस लेडी इज हेयर विद हर मदर। यहाँ पे ये आप देखिए तो अपनी मदर के साथ है, यहाँ ये डिसीजन मेकिंग में फोर्स कर रही है सुशांत को कि यू शुड टेक द डिसीजन, डू दिस रोल, इफ यू डू दिस रोल तो हम ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे सौरो कार्ड। तो यहाँ पे जो भी ये लेडी इनकी लाइफ में थी इसकी मदर ने भी मिल करके इसको फोर्स किया सुशांत को कि वो इस रोल को करे। तो ये एक एस्पेक्ट था, एक रीजन था, जैसे एकदम से बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, एकदम से जैसे मर्डर नहीं होता है, बहुत सारी चीजें थी जो मिल करके एक प्रेशर बनाया जा रहा था सुशांत के ऊपर। तो यहाँ पे इसने बोला क्लियर कि अगर तुमने ये रोल किया तो आई विल बी देयर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, आई विल स्टे विद यू, और एल्स आई एम गोइंग टू लीव यू। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 2, दोनों में आप इन दोनों की सिमेट्री आप देखिए, दोनों के दोनों ये 3 नंबर पे है, ब्लेसिंग है या फिर सोरो सोरो हो जाएगा। यू टेक अ डिसीजन, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज फोर्स्ड टू टेक अ डिसीजन, टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बोला गया उनको, और फिर उसके बाद सुशांत ने यहाँ मना कर दिया। आप देखिए ये सामने से एरो चलता हुआ आ रहा है, जो एरो यहाँ पे थे वो एरो चलता हुआ आया सुशांत की तरफ,
और उसके बाद आपको पता है ये सुशांत को एक एक करके ये लोग छोड़ के चले गए। जैसे आप देखिए चैरिट का कार्ड है, यानी कि मूविंग अहेड, आगे बढ़ना, रथ पे बैठकर आगे बढ़ना। तो ये लोग आगे चले गए सुशांत को छोड़ करके, और यहाँ सुशांत को स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया। तो यहाँ पे मुझे क्लियर लग रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड मुझे कॉन्ट्रैक्ट का आया था, और पहला ही कार्ड ये आया था जो बताता है कि सुशांत पे अटैक किया गया। और इसी इस मूवी का भी एक कनेक्शन है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर ड्रग से लेकर के। उसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ये रोल 2611 का जबरदस्ती उन्हें दिया गया था करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने जो मना किया, सड़क टू के लिए उन्होंने मना किया, तो ये सब चीजें मिल करके इन लोगों के लिए सुशांत एक ऐसा पर्सन बन गया था जो बगावत कर रहा था, और जो बगावत करता है उसको मार दिया जाता है। ये वही क्लियर एग्जाम्पल है सुशांत का मर्डर। तो ऐसा ही हुआ था दिव्या भारती के साथ, और ये ही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो बस मुझे यहाँ यही देखना था, क्लियर कनेक्शन है यहाँ पे। जो वो मूवी थी 2611, सुशांत कोई एक्साइटेड नहीं थे वो मूवी करने के लिए, जबरदस्ती सुशांत को फोर्स किया जा रहा था वो रोल प्ले करने के लिए कसाब वाला। और कनेक्शन क्लियर आप देखिएगा, सुशांत केदारनाथ में भी उन्होंने कलावा पहना है, और इस कसाब ने भी कलावा पहना हुआ है, दोनों में कनेक्शन है। और यहां पर सुशांत को वो रोल दिया गया, जबरदस्ती कहा होगा कि आप ये करें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो ये जबरदस्ती उन्हें फोर्स किया गया, इधर यू डू द रोल और यू आर गोइंग टू गेट किल्ड, ही सिलेक्टेड टू गेट किल्ड। एंड देन सिर्फ यही एक कारण नहीं था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, दिशा सालियान का केस, बहुत सारे सारे केसेस मिल करके, सब चीजें मिल करके फाइनली दे मर्डर्ड हिम। और आपको खुद पता है सुशांत सिंह राजपूत को कितना ब्रुचली मर्डर किया गया है, तो जो भी जो मर्डरर था वो इतना ज्यादा गुस्से में था सुशांत सिंह राजपूत से, उसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई थी कि उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल की तरह बनाया, ताकि इंडस्ट्री में कोई भी बगावत ना करे। और ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए इसमें यही देखना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, जय श्री राम, जय भारत।